हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है बाइनेंस को लेकर। तो फाइनली बाइनेंस को दुबई का फर्स्ट एक्सचेंज लाइसेंस मिल चुका है। तो ऐसी कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है दुनिया में जिसको दुबई का लाइसेंस मिला हो। और हम सभी जानते हैं कि दुबई में कितना ज़्यादा पैसा है और वहाँ जो लोग रहते हैं उनके पास कितना ज़्यादा पैसा है। अगर वहाँ पे बाइनेंस लीगल वे में चलता है तो उसके ऊपर कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आने वाली है। यही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों बीएनबी का प्राइस हज़ारों डॉलर तक जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी ये सिर्फ 240-250 डॉलर के आसपास रहता है, लेकिन अभी इसमें जो पोटेंशियल है वो बहुत ही बड़ी है। तो आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखते रहना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ नोटिफिकेशंस हमेशा सबसे पहले पहुँच रहे और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और इसी के साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे मैं सारी अपडेट सबसे पहले डालता हूं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें क्रिप्टो को लेकर। जो अरेबियन कंट्री है यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वहां पे जनरली लाइसेंस नहीं मिलता है, लेकिन ऑपरेशनल मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का लाइसेंस मिला है बाइनेंस को। बाइनेंस ऐसी पहली क्रिप्टो एक्सचेंज है और इसी के साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि आने वाले समय में और भी जो एक्सचेंजेस हैं उनको भी लाइसेंस मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वजीरेक्स भी अगर इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहे, या फिर जैसे कि शारडियम अभी दुबई में ही सेटअप किया गया, तो शारडियम आने वाले समय में वो भी बहुत बड़े लेवल पर जा सकता है। अभी क्या है कि जितने भी दुबई के यूज़र्स हैं यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो यूज़र्स हैं वो एक्सेस कर पाएंगे वर्चुअल एसेट्स को, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी इनको एक्सचेंज के ऊपर मिलने वाली हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो फियट को ईजिली यहाँ पर ट्रांजेक्ट कर पाएंगे। अब फियट मैं यहाँ पर दिरहम की बात करूँगा, अगर हमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं इंडिया में क्योंकि हमारा जो RBI है, SEBI है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो सारे सपोर्ट नहीं करते क्रिप्टो करेंसीज को, जिस कारण हमें 30% टैक्स, 1% TDS ये तो पे करना ही पड़ता है, लेकिन इसी के साथ बैंक पार्टनर्स जो हैं उनके द्वारा भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। डिपॉजिट में प्रॉब्लम आती है, विड्रॉल में प्रॉब्लम आती है, एक्सचेंज टू एक्सचेंज अगर हमने फंड सेंड करें तो प्रॉब्लम आती है। तो इसका सीधा साधा सोल्यूशन यही है कि हम दुबई में जा सकते हैं, क्योंकि दुबई का जो वारा है यानी कि वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे SEBI RBI है, वैसे वहाँ पे वारा है, तो वो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए मार्केट एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, जिससे क्या कि इन्वेस्टर्स के लिए सेफ्टी रहती रहती है। इसी के साथ उन्होंने ऐसा नहीं कि क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन को दबा के रखा है, उन्होंने इसको खुल के काम करने के लिए अलाउ कर दिया। यही कारण है सबसे बड़ा कि क्यों बाइनेंस एक्सचेंज अभी वहाँ पर सारी सर्विसेज देने वाली है। और वैसे भी दुबई में ही सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि क्रिप्टो एक्सपो इवेंट होता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं और दुबई में हर एक प्रोजेक्ट को एक बेस मिल जाता है, वो सही तरीके से काम शुरू कर देते हैं और बड़े लेवल पे भी पहुँच जाते हैं। और यही कारण है कि इसको ग्लोबल वर्चुअल एसेट हब माना जाता है दुबई को, क्योंकि वहाँ कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी एक्सचेंज आता है तो उसको खुल के काम करने का एक मौका ज़रूर मिलता है। बाइनेंस की एक दुबई सब्सिडियरी है बाइनेंस FZE। तो जैसे कि बाइनेंस US का जो है वो उसको बाइनेंस US बोलते हैं, हम जनरली यूज़ करते हैं जो नॉर्मल बाइनेंस है, वैसे दुबई में होगा बाइनेंस FZE, FZE भी बोल सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हमें देने वाला है जो कि वारा के द्वारा अप्रूव्ड होंगी, जिसमें वर्चुअल एसेट एक्सचेंज, ब्रोकर डीलर सर्विसेज, तो हर एक तरह की चीज़ अवेलेबल रहेगी। अब यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि इसी के साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी मौका मिलेगा, वो भी इसके ऊपर ईजिली ट्रेड कर पाएंगे। इससे पहले बाइनेंस FZE को MVP लाइसेंस मिला था जो कि प्रोविजनल लाइसेंस था, ये मार्च 2022 में मिला था। फिर उसके बाद प्रिपरेटरी MVP लाइसेंस मिला था सितंबर 2022 में। तो अभी क्या कि अप्रूव हो चुका है फर्स्ट ऑपरेशनल MVP लाइसेंस जो कि कंप्लाई करेगा लोकल रेगुलेटर्स के साथ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ, जो कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। अब जो बाइनेंस के यूज़र्स होंगे वो सेफली अपने जो क्रिप्टो करेंसीज उनको फियट में कन्वर्ट कर पाएंगे बहुत ही ईजिली, क्योंकि वारा के स्टैंडर्ड्स के द्वारा अभी ये सब कुछ अप्रूव्ड है। और जो FATF है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उनके जो रूल्स हैं वो भी बाइनेंस और क्रिप्टो के फेवर में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी डेवलपमेंट है दुबई की, उनका वारा है, वास्प है, FATF है, तो ये सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं बाइनेंस को सही ढंग से काम करने का। और यहाँ इंडिया में क्या है कि यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंज है जैसे कि वजीरेक्स वो ही नहीं काम कर पा रहे, बाइनेंस तो दूर की बात है। यही कारण है कि हमेशा दुबई को क्रिप्टो फ्रेंडली बोला जाता है कि क्रिप्टो का हब है, यहाँ पे सारी रेगुलेशंस क्रिप्टो फ्रेंडली हैं। और जो बाइनेंस के CEO हैं चेंगपेंग CZ, तो वो भी इसी सिटी में लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं। अब Web3 को लेकर, वर्चुअल एसेट्स को लेकर बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है जो कि शुरुआत दुबई से ही होगी। वैसे देखा जाए तो अभी चाइना में भी वही अच्छे हालात भी वापस आ चुके हैं, क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा बैंक है जो कि क्रिप्टो को सपोर्ट करने वाला है। पहले चाइना ने ही क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया था, अब वापस चाइना में ही बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स दिख रही हैं।
तो जो हांगकांग का एक लोकल बैंक है उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस भी ऊपर जाने वाले हैं क्योंकि वर्चुअल एसेट्स वहां पे अब ट्रेड होने शुरू हो जाएंगे और इस सब को लेकर अभी कुछ रूल्स भी आ चुके हैं चाइना में। तो इस बैंक का नाम है हैंग सेंग बैंक, लेकिन इसी बैंक का यह भी मानना है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं चाइना में वो थोड़े इंक्रीज होने वाले हैं। जनरली इंटरेस्ट रेट्स को तभी इंक्रीज किया जाता है जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ शॉर्ट टर्म में होगी। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो चाइना में जो क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग होगी तो अभी हमें दुबई से भी ट्रेडिंग वॉल्यूम मिलेगा, चाइना से भी ट्रेडिंग वॉल्यूम मिलेगा। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, राइट आफ्टर इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिस कारण वहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो करेंसीज के वो भी सबसे ज़्यादा है। और धीरे धीरे क्या है कि अभी जो जितने भी माइनर से वो चाइना को छोड़ के गए थे वो वापस आना शुरू हो जाएंगे और माइनिंग करना शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि बाइनेंस का जो बीएनबी है उसको बाय करें, होल्ड करें, क्योंकि उसके प्राइस में बहुत बड़ा इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक और रीज़न ये है कि अगर बाइनेंस को लाइसेंस मिल चुका है तो इसी के साथ और भी कई सारे एक्सचेंजेस हैं जो कि दुबई का लाइसेंस ज़रूर चाहेंगी कि उनको भी यूएई में ऑपरेट करने का मौका मिले। तो जितने भी बीएनबी के सेलर्स हैं या फिर जो शॉर्ट जिन्होंने किए हुए हैं उनका मोमेंटम खत्म होता जा रहा है, अभी लॉन्ग करने का मौका आ गया है। तो जैसे बीएनबी का प्राइस $252 के आसपास पहुंचेगा तो हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है बीएनबी में, यानी कि इसमें हमें एक लंबी रैली देखने को मिल सकती है इस प्राइस पॉइंट के बाद। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में, दुबई के बारे में, बीएनबी के बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट करें। अगर आपको किसी और एक्सचेंज कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।